गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अंकित, शायद पहचान गया होगा। एक्चुअली मैं किसी काम में व्यस्त था, इसीलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से फिर से मुलाकात करूं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाए और हम लोग रूबरू भी हो जाएं। और ऐसे ये वीडियो तो बस एक बहाना था, बस आप लोगों से जो मिलना था ना, बस यही एक मुद्दा था। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे, इससे आपको लगेगा कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप का वीडियो है और ये बंदा इस तरह की वीडियो लेकर क्यों आया। तो मेरा एक शुरुआत है, बस आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना बनाए रखें। और जो भी नए लोग हैं इस वीडियो के को देख रहे हैं, वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और लाइक करें। अगर 1% भी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जैसे कि आप और यूट्यूबर को, आप और लोगों को, जैसे कि आप प्यार अपना आशीर्वाद दर्शाते हैं, उसी तरह अपना आशीर्वाद प्यार मेरे ऊपर भी बनाएं, क्योंकि मैं भी आपका छोटा भाई की तरह हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बात करूँगा आज कुछ एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि आपने कहावत सुना होगा कि अक्सर जो ट्रेन छूटती है ना, वो नज़दीक वाले की ट्रेन छूट जाती है, और जो दूर वाले होते हैं वो तो दौड़ कर भी ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ ही लेते हैं। तो आज से ये कहावत खत्म। जी हाँ, आज से समस्या का मैं समाधान करने जा रहा हूँ। तो आज मैं कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ट्रेन है कहाँ पर है और कितने बजे खुलेगी। आप टिकट भी कंफर्म कर सकते हैं उस एप्लीकेशन से। और प्लस में क्या है कि जैसे कि आपको क्या होता है कि आपके घर में कोई नियर बाई स्टेशन है, तो वहाँ से आपको पता वहाँ पर आपको जाना पड़ता होगा इससे पहले कि आप वहाँ जाएंगे, पता करेंगे। तो आज से वो देखिए, ये जो टाइम है ना, ये चेंज हो रहा है, इसलिए आपको भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। बिना कहीं गए, बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क से कैसे आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आज डिजिटलाइजेशन के ज़माने में आपको जो है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप अपने फ़ोन से ये जान जाएंगे कि मेरी ट्रेन कहाँ पर है और कितने तारीख को मेरी ट्रेन है, कब नहीं है, मेरे नियर बाई स्टेशन से ट्रेन कितने बजे खुलती है, कितने बजे पहुँचाएगी, कहाँ तक पहुँचिए, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि एक ही एप्लीकेशन को आप यूज़ करें और बेहतर तरीके से उसे ही आप जानें। तो आज मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में जो बताऊंगा, वो एप्लीकेशन है इक्सिगो। ऐसे वेयर इज़ माई ट्रेन भी है। वेयर इज़ माई ट्रेन पे आप, जब आप ट्रेन पे रहते हैं तभी वो आपका एग्जैक्ट और रनिंग स्टेटस आपको बताता है। इसलिए आप इक्सिगो जो ये है एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लें और फिर आप उसको ही कर, बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यूज़ करने में। तो फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई नए लोग भी हैं, तो उन्होंने 1% भी अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम दोनों के बीच एक प्यार, एक आशीर्वाद बढ़ाता है, एक स्नेह, क्योंकि मैं भी आपका एक छोटा भाई की तरह हूँ। तो आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाएं, और आप बिना समय गंवाते हुए हम चलते हैं अपने फ़ोन पर और मैं बताऊँगा आपको कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हम वो जो मशक्कतें हैं, उस मशक्कतें से बच सकते हैं और घर बैठे जान सकते हैं मेरी ट्रेन है या नहीं है, और उस कहावत को खत्म जो करना है। हाँ, तो गाइज अब मैं अपने फ़ोन पे आ चुका हूँ, और जब भी हम किसी भी तरह का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाते हैं। तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, तो प्ले स्टोर पर जाके हम क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पर क्लिक किया, अब प्ले स्टोर खुल जाएगा। देखिए प्ले स्टोर खुल गया, प्ले स्टोर खुल गया तो यहाँ पर आप डालेंगे इक्सिगो ट्रेन, ठीक है। तो देखिए आई एक्स ही मैं डाला था कि यहाँ पे इक्सिगो ट्रेन ऐप आ गया, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे IRCTC अथोराइज्ड पार्टी जो भी है ट्रेन का, ये आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे ओपन देखिए आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ओपन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये ऐप जो है, ये एप्लीकेशन जो है, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। इसलिए आप जब करेंगे ना तो ये ओपन नहीं दिखेगा, यहाँ पे इंस्टॉल का दिखेगा, तो इंस्टॉल पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपको ओपन का ऑप्शन आएगा, तो ओपन पे आप फिर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तैसे आपका ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो देखिए इक्सिगो का वो दिख रहा है, तो कितना गजब का ये साइट है। फिर गाइज आप यहाँ जैसे आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा ये IRCTC ट्रेन, फिर आपका ये फ्लाइट, फिर आपका ये देखिए बस,
फिर आपका होटल, तो ये सब का टिकट यहाँ से आप बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, बस का टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट का, ट्रेन का, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों का भी, कोविड का जो वैक्सीन वगैरह का जो स्लॉट होता है वो भी आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं, फिर ओला रिजर्व कर सकते हैं आप यहाँ से, IRCTC फूड बुकिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ है, तो इस एप्लीकेशन से आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस जैसे कि हमको देखना है कि IRCTC ट्रेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो IRCTC ट्रेन पे क्लिक किए तो ये खुल गया। जैसे खुला तो यहाँ पे देखिए जसीडी जंक्शन और पटना जंक्शन दिख रहा है। अगर यहाँ पे जसीडी जंक्शन नहीं लिखा हुआ रहता, पटना जंक्शन नहीं लिखा हुआ रहता, तो यहाँ पे फ्रॉम रहता और यहाँ पे टू रहता, ये मैंने लिखा था तो वही दिख रहा है, हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए हमको जाना है भागलपुर से पटना, तो हम डालेंगे भागलपुर, BHAGAL भागलपुर, देखिए भागलपुर आ गया। भागलपुर को शॉर्ट में BGP कहा जाता है और पटना जंक्शन का ये PNB ये कोड है, हर जंक्शन का ये कोड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भागलपुर और पटना, यानी भागलपुर से हमको पटना जाना है, तो यहाँ पे अब हमको किस दिन जाना है ये भी देखना है। जैसे कि ये है 20 दिसंबर, ठीक है, तो ये है यहाँ पे देखिए टुमारो दिख रहा होगा यहाँ पे डे आफ्टर, तो जैसे मान लीजिए हमको टुमारो का पर क्लिक करेंगे, यानी कल जाना है तो कल पे, टुमारो पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे 19 दिसंबर कल है वो दिख गया। फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये स्लीपर में है या एसी में है, या यहाँ पे टू एसी में या फिर किस में है, तो जैसे कि मान लीजिए हमको स्लीपर में कटाना है तो यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक किए, ठीक है, हमको स्लीपर के बारे में जानकारी लेना है तो फिर सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल गया, देखिए BGP LTT एक्सप्रेस है। देखिए गाइज यहाँ पे क्या है ना कि आपको टाइमिंग भी दिखा रहा है कि 9 बजे है भागलपुर से और 1:45 में आपको पटना पहुँचा देगी ये ट्रेन, ठीक है, और ये किस किस दिन है ये भी दिखा रही है। जैसे कि देखिए ये ट्रेन जो है आपका संडे को है, फिर ट्यूसडे को है, फिर आपका फ्राइडे को है, और मंडे, वेडनसडे और सैटरडे को ये ट्रेन नहीं है, तो ये भी दिख रहा है। प्लस में देखिए गाइज यहाँ पे स्लीपर है, ये आपका एसी है, ये भी एसी है, तो तत्काल में आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये भी तत्काल का देखिए आपको दिख रहा होगा। तो WL जो 400 दिखा रहा है, ये WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, जिसमें से कि 95% चांस है कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है गाइस कि कभी कभी ये टिकट अगर कंफर्म नहीं हो पाता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आप ट्रेन पे हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो TT आपसे मांगेगा, तो फिर आप क्या दिखा पाएंगे, तो फिर वो टिकट TT मानेगा नहीं, हाँ, तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि वेटिंग लिस्ट में ना कटाएं तो बेहतर रहेगा, और कंफर्म हो जाए तभी आप किसी भी ट्रेन से यात्रा करें। तो यहाँ पे और देखिए और भी ट्रेन देख सकते हैं, जैसे फरक्का एक्सप्रेस है, MLDT PNB एक्सप्रेस है, विक्रमशिला एक्सप्रेस है, तो ये रहा, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमको परसों का देखना है, तो परसों का देखना है तो डे आफ्टर पे क्लिक करेंगे, डे आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो 20 दिसंबर का दिखाएगा। अब हमको मान लिया यहाँ पे स्लीपर का नहीं, हमको एसी का देखना है, तो यहाँ पे देखिए 3A पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे एसी का दिखाएगा, तो सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो अभी आ जाएगा, देखिए आ गया, तो विक्रमशिला एक्सप्रेस आ गया आपका, जो कि 11:50 में BJP से खुलती है और 4:55 यानी 16 है तो 4:55 में पटना पहुंचा देती है। तो सब में देखिए वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट 2 है, वेटिंग लिस्ट 18 है, वेटिंग लिस्ट 10 है, तो ये सब वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो जैसे कि इसमें देखिए आपका ये है आपका इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखिए आपका 2S में खाली है, इसमें अवेलेबल आपका 501 सीट है, तो इस पर मान लिया जब हम क्लिक करते हैं, अगर हमको इससे जाना हो तो हमको इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ये आपको 20 दिसंबर यानी परसों का जो है अवेलेबल 485 सीट है, जिसका प्राइस 100 है, ठीक है। फिर आपका 21 दिसंबर को है, उसमें 776 सीट है, 100 रुपया इसका प्राइस है, मतलब रेट है टिकट का। तो ये सब आप यहाँ पे कितना अवेलेबल है ये देख सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए हमको बुकिंग करना हो तो बुक पे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर मांगेगा तो इंटर मोबाइल नंबर दीजिएगा, या मेल है तो मेल डालिएगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ से फिर आप टिकट कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। बाकी रनिंग स्टेटस अगर आपको जानना है तो रनिंग स्टेटस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रनिंग स्टेटस के लिए आपको जो है, जैसे कि रनिंग स्टेटस जो होता है ना गाइस कि जब भी आप ट्रेन पे रहते हैं ना, तब अगर आप रनिंग स्टेटस चेक करते हैं तभी आपको दिखेगा कि आगे कौन सा ये स्टॉपेज आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग स्टेटस आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आप फ्रॉम डालिएगा, टू डालिएगा, जैसे मान लीजिए हम फ्रॉम में हम डालेंगे ये भागलपुर था तो BHA
GLP भागलपुर जंक्शन, और ये 2 है तो यहाँ पे पटना डालेंगे, PATNA पटना जंक्शन डालेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप सर्च ट्रेन करेंगे, तो सर्च ट्रेन करेंगे देखिए सब खुल आपको दिख जाएगा। तो रीचिंग ये भी दिखा रहा है आपको, भागलपुर 5:30 में है, पटना जंक्शन 11:25 में आपको पहुँचाएगी ये ट्रेन। फिर देखिए ये है भागलपुर 1:40 है तो 6:10 में पहुँचाएगी। फिर रीचिंग PNB 6:10 में, तो ये भी दिखा देगी कि कल परसों मतलब बीते हुए दिन में ये कब पहुंची है, कितने बजे पहुंचाई, सब चीज़ आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद गाइस क्या होता है, जब भी मान लिया जाए कि आपको टिकट मिल जाता है, ठीक है, आपको टिकट मिल गया और आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा डब्बे में है, ठीक है, या फिर क्या सीट नंबर है, तो वहाँ पे आप जो आप टिकट कटाते हैं उसमें आपका PNR नंबर जो है आपको शो कर देता है, तो PNR नंबर जो है आपको यहाँ पे देखिए PNR स्टेटस दिखा होगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही डालेंगे 10 डिजिट का PNR नंबर होता है, जैसे डालेंगे तैसे आपका जो है वो टोटल आपका बायोडाटा आ जाता है कि आपने टिकट कटाया है, कहाँ से कहाँ तक के लिए कटाया है, किस ट्रेन के लिए कटाया है, आपका PNR नंबर जैसे डालते हैं, ठीक है, आपका टिकट कंफर्म है या नहीं है, या फिर कौन सा बोगी में है, कौन सा बोगी में बोगी डी में है या सी में है या किस में है, ठीक है, और कितना सीट नंबर है ये भी दिख जाता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो गाइज ये रहा आपका फुल इन्फॉर्मेशन, बाकी और भी किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। बाकी और भी हम आपको हर तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके समक्ष। बाकी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।